सोयाबीन की सब्ज़ी ना फ्रेंड्स, मैं तो कभी कभी बनाती हूँ, बट जब भी बनाती हूँ ना तो एक आध कमेंट ज़रूर आते हैं कि सोयाबीन हमें भी खाना पसंद है, बट उसकी स्मेल की वजह से ना लोग घर में नहीं खाना पसंद करते, इसलिए हम नहीं बनाते हैं। तो डियर, सोयाबीन की सब्ज़ी को अगर आप बनाने से पहले सोयाबीन को पानी गुनगुना करके उसके अंदर डुबो करके छोड़ देंगी, और जब वो अच्छे से सोक्ड हो जाएगा ना, उसके बाद जब निचोड़ करके उसे अच्छे से उसका पानी को दो तीन पानी निचोड़ करके हटाएंगी ना, तो ये सोयाबीन की सब्ज़ी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और इसको फिर आपको फ्राई भी कर लेना है। तो आज जैसे मैं बनाऊंगी वो सारी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो सोयाबीन को मैंने गुनगुने पानी में ना सोक करने के लिए डाल दिया था, और ये ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में सोक्ड हो जाते हैं। इसको पूरा निचोड़ निचोड़ करके ना आपको निकाल लेना है। उसके बाद हल्के से ऑयल में ना मैं इसे फ्राई करूँगी। लेकिन इसका जो मसाला इससे पहले मैं तैयार कर रही थी ग्राइंड करने के लिए, उसमें हमने लिया है ज़ीरा, गोल मिर्च खड़े लिए हमने, और 2 लौंग, 2 इलायची लिया हमने, प्याज लिया है, जिंजर गार्लिक लिया है, और टमाटर लिया है 1। तो उसका हमने मसाला अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे ये वाले डेगची में ना हमने थोड़ा सा ना ऑयल लिया, ऑयल डाल करके जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें मैं सोयाबीन को ऐड कर दी थी, और इसे फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे। तो ये देखिए सोयाबीन कुछ हमारा फ्राई हो गया फ्रेंड्स। तो इसको मैं क्या कम करूँगी, किसी भी प्लेट में या बाउल में आप इसे ना निकाल लें, और ट्रस्ट मी आप इस तरीके से अगर मेरे रेसिपी से फॉलो करके सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो ये सोयाबीन चंक्स जो है खाने में इतने ज़्यादा यम लगेंगे, और बिल्कुल भी ज़रा भी इसकी स्मेल नहीं रहेगी। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया। इसी ना देखची में मैंने फिर से थोड़ा ऑयल लिया है, और इसमें छोटे छोटे 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े हमने डाले हैं, देन 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा हमने डाला। जब दोनों क्रैकल हो गया था तो हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और उसके बाद जो हमने पेस्ट ग्राइंड करके बनाया था ना मसालों का, उसे डाल देना है, और डाल करके इसको मतलब भूनना है मसाले को। अब यहीं पे ना फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या कम करूँगी ना, थोड़ी देर इसको भूनूंगी, उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी अब धनिया पाउडर, जो कि मैं ना घर में ही बनाती हूँ। अच्छे कमेंट आए थे ना, तो उन्होंने पूछा था कि आप जो मसाले वगैरह बनाती हैं तो सारे घर में बनाती हैं या बाहर से लाती हैं। तो जीरा, गोल मिर्च ये सब ना मैं घर में बनाती हूँ, धनिया भी मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि घर में बने हुए धनिया मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। जब उसे खुद से ला करके और हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसके बाद उसका पाउडर बनाने से ना उसकी अलग ही खुशबू रहती है, जो सब्ज़ी वगैरह में डालने से ना सब्ज़ी का मज़ा ही दुगुना हो जाता है। तो इसलिए मैं घर में बनाती हूँ। हल्दी पाउडर ना मिर्चा पाउडर वो मैं बाहर का पैकेट का ही खाती हूँ। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके थे फ्रेंड्स, और उसके बाद जब ये थोड़े ड्राई हो गए तो भून करके अगेन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा लूज़ किया था। उसके बाद इसमें जो सोयाबीन चंक्स हमने फ्राई कर लिए थे उसको हमने ऐड कर दिया। तो इसके साथ ना मैं थोड़ा ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि सोयाबीन को ऑलरेडी हमने ना अच्छे से फ्राई किया था। तो बस थोड़ा सा भूनूंगी, और मसाले वगैरह सारे भुने ही हुए हैं। तो ये आलू को ना मैंने कुकर में ना 3 सीटी लगा लिया था, तो ये बॉयल है, और इसको मैंने ना कट भी कर लिया, लेकिन यही है कि बॉयल आलू है ना तो एक दूसरे से चिपक गए, वरना मैंने ना इसे 4-5 पीस में कट कर लिया। तो आलू सोयाबीन को ना मैं एक साथ अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, ये वाली सोयाबीन की रेसिपी आप अपने डाइट में ना आराम से बना करके खा सकते हैं। आपने देखा मैं सब्ज़ी में कितना कम ऑयल की हूँ, एकदम ज़रा सा ऑयल में फ्राई किया और ज़रा सा ऑयल में ये पूरी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। तो बस हमने अच्छे से भुना है, मिक्स किया, ग्रेवी लगा दिया, और इसे दम पे छोड़ दूंगी। और धनिया पत्ती नहीं है, नहीं तो आप इसमें धनिया पत्ती भी कट करके रखें, और यहीं पे सॉल्ट वगैरह सब टेस्ट कर ले। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। हालांकि थायराइड है फ्रेंड्स, सोयाबीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और शाम को भी थायराइड है, इसलिए मैं बार बार नहीं बनाती हूँ, बट कभी कभी बना लेती हूँ। अभी बज रहे हैं फ्रेंड 10, और खाना तो हमारा बन गया। सिर्फ हमने दाल और चावल वही सब्ज़ी बनाई है सोयाबीन आलू। जैसे मैं सब्ज़ी बना करके फ्री मतलब किचन को थोड़ा क्लीन ही कर रही थी, कि खाना बनने के बाद होता है ना फ्रेंड, जितना भी आप किचन क्लीन रहे और खाना बनाने जैसे जाओ तो धीरे धीरे करके किचन गंदा हो ही जाता है। तो जैसे ना मैं किचन को क्लीन कर रही थी तो शाम ना बच्चे ट्यूशन के पढ़ रहे थे, शाम ना जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी कि यहाँ लगवा यहाँ। जब मैं गई ना तो उनकी तबीयत मतलब गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पूरा बॉडी उनका कांप रहा था, और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी गर्मी की वजह से, और वो ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा था कि उनका आँख बंद हो रहा, खुल मतलब थोड़ा बेहोशी टाइप से ऐसे कर रहे थे। फिर मैंने क्या काम किया कि उनको जल्दी नींबू पानी ये सब का शरबत बना के दिया फ्रेंड्स, और उसके बाद बच्चे को सारे को ट्यूशन का छुट्टी करना पड़ा, और फिर वो अभी सो गए, उनको नींद आई हुई है। तो मैं ना पूरा लाइट वगैरह ऑफ कर दी हूँ फ्रेंड्स, और विंडो पे भी ना पर्दा डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना दिन में धूप की जो है ना रोशनी उस साइड वाले विंडो पे तो पर्दा है, लेकिन सामने वाले विंडो पे नहीं है कर्टन्स वगैरह डाले हुए। तो वो क्या होता है ना कि दिन में भी ना पूरी विंडो स्लाइडिंग उसका बंद करने पर भी ना पूरी ना धूप की रोशनी आती रहती है, तो आँखों के पर ऐसे लगेगा ना जैसे कि रोशनी रोशनी। तो मैंने ना उस पर टॉवल डाल दिया शाम का ही, कि ताकि ना थोड़ी रूम में ठंडक भी बनी रहे, यहाँ आकर के हल्का सा,
और जो है सो रोशनी भी कम मिले। तो स्वयं को आ गई नींद, उनको मैंने बोला कि पहले आप डॉक्टर से दिखा लें, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने से मना कर रहे हैं। तो उनको तो मैंने नींबू पानी पुदीना ये सब डाल करके शरबत बना के दे दिया, तो उनको आ गई ये नींद। देखती हूँ फ्रेंड्स अब वो सो के उठ के उठते हैं, कब उठती हैं, उनकी आँख खुलती है, मैं बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, नहीं उठाऊँगी। तो फिर देखिए अगर उनकी तबीयत थोड़ी भी सो के उठने के बाद सही रही तो उनका ट्यूशन क्लास वगैरह लूँगा और मेरा आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो ट्यूशन क्लास बंद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स सच में कोलकाता में और हर जगह ऐसे तो इस बार गर्मी का कहर हर जगह फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ भी इतनी ज़्यादा ना फ्रेंड्स कि हम लोगों का रोज़ ऐसा ही होता है हाल। मतलब होता क्या ना फ्रेंड्स कि जैसे घर में जितने लोग हैं तो उस हिसाब से अगर लोग रहें तो सही है, लेकिन मेरे घर में एक एक बैच में 20-20 बच्चा आकर के बैठ जाता है और 20 बच्चे की सांसों की गर्मी, बदन की गर्मी, और हम लोग छोटा सा रूम में उसी में फिर सामान, इस तरह से गर्मी पड़ती है ना फ्रेंड्स। और हालांकि टेबल स्टैंड फैन भी चालू रहता है, सीलिंग फैन, दो दो फैन चालू रहता, हवा रहता, लेकिन इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, इतनी ज़्यादा धुमस रहती है ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से ना मेरा भी कल शाम में फिर तबीयत एकदम ख़राब जैसा हो गया था। लेकिन मैंने ब्लॉग में मतलब ब्लॉग तो मैं कर ही नहीं रही थी जो मैं आपको बताऊँ, तो मैंने हॉल में चेयर पर आकर के, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, शैम पढ़ा रहे थे, टेबल पर कितना देर फैन लगा करके बैठे बैठे जब पूरा दिमाग में अच्छे से हवा लगा तब जाकर के मुझे रिलैक्स हुआ और मुझे अच्छा फील हुआ। और आज शैम की अचानक से तबीयत वैसी होनी शुरू हो गई है। और मैं ना ये देख रही थी न्यूज़ वगैरह, तो कई जगह का बिहार का और कई जगह का ये दिखा रहा था कि बच्चे जो स्कूल के लिए जा रहे हैं ना, तो वो स्कूल के, तब कोई बच्चे रास्ते में, कोई बच्चे स्कूल में क्लास में पहुँच करके ऐसे ही बेहोश हो रहे हैं गर्मी से। तो बस अल्लाह ही रहम करेंगे फ्रेंड्स, बारिश होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, और ये गर्मी का थोड़ा कम होना मैं क्या ही बताऊँ। और शाम का ऐसा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो हम जो कुछ भी होता उतना टेंशन नहीं रहता, बट शाम को कुछ होता है ना तो थोड़ा मुझे ना टेंशन सी होने लगती है। बट ज़्यादा ऐसे ये कोई बात नहीं है डरने वाली, शाम तो उस टाइम अजीब करने लगे थे, एकदम ऐसे घबराने लगे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनको नींद आ गई है और वो जो मैंने शरबत बना करके दिया उससे भी उनको अच्छा फील हुआ है। तो मैंने ना ऊपर का भी फ़ैन चालू कर दिया है और टेबल फ़ैन भी उनके करीब ले जाकर के लगा दिया कि ताकि अच्छे से उनको ठंडी ठंडी हवा मिले, तो उनकी थोड़ी नींद पूरी हो और उनको थोड़ा अच्छा फील हो। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शैम को आ गई है नींद, वाले फ़ैन एकदम करीब करके उनको लगा दिया मैंने, फेस पे शैम का जो टॉवल है उसी को मैंने गीला करके और डाल दिया है और विंडो कर दिया बंद, नहीं तो ना धूप का ना तपिश और रोशनी दोनों बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी तक ना झाड़ू भी हमने नहीं लगाया, मतलब सुबह सुबह जो एकदम उठ के लगाती हूँ वो लगा दिया हमने। और फिर क्योंकि बच्चे आ गए थे पढ़ रहे थे ना, तो फिर वो ना बच्चों का पेंसिल का और तो थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाता है। हालांकि इस बैच में ना बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, 8th के 9th के 10th के लड़की और लड़के वगैरह रहते हैं, लेकिन होता है ना कि जहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे और नीचे का हमारे बिल्डिंग का ना पूरा रास्ता ना सही से प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ फ्रेंड्स, पूरे में ना रेत रेत ऐसे बिखरा हुआ है, मतलब बिल्डिंग का काम अधूरा पीछे साइड से है, तो बाकी जो बालू वगैरह जो होते हैं वो सब ऐसे ही रास्ते में गिरे हुए हैं। होता क्या कि जितने बच्चे आते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो चप्पल बाहर उतारते हैं तो चप्पल के साथ ना रेत आ जाता है, जैसे रेत आता है फिर वो चप्पल बाहर उतार के जैसे घर के अंदर आते हैं तो वो क्या होता है ना, जितना भी कोशिश कर लो पाँव के साथ घर के अंदर आ ही जाता है। तो थोड़ा ना किच किच थोड़ा हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसको मतलब झाड़ू लगाने के लिए फ्रेंड्स दोनों फ़ैन को बंद करना पड़ेगा, तो कहीं शायद की नींद ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए ना मैं फ़ैन नहीं बंद कर रही हूँ। और देख रही हूँ जब शाम सो करके उठेंगे ना उसी टाइम में झाड़ू लगाऊंगी, अभी एकदम कोई भी मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही, ताकि वो 1.5-2 घंटा 3 घंटा जितनी देर उनकी नींद पूरी हो सके पूरी हो जाए, उनको अच्छा फील हो, जब वो खुद से उठेंगे ना फिर उनको लंच दूंगी। और अगर बाई चांस उनकी तबीयत सही रही तभी आज ट्यूशन क्लास अच्छा चल पाएगा, फिर नहीं तो आज ट्यूशन क्लास बंद करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी बस कुछ नहीं, खाना तो बन ही गया, तो जा रही हूँ मैं भी थोड़ा ब्लॉगिंग का काम करूँ, क्योंकि ना कोई काम अधूरी नहीं पाएगा, शैम का वैसा है, अब वही उठे हुए रहते हैं फ्रेंड्स, उनकी तबीयत सही रहती है तो अभी फिर उनको नाश्ता बना के देती हूँ, उनकी कुछ कुछ चीज़ों में लग जाती और फिर साथ साथ अपना ब्लॉग भी। A few hours later. शैम ना अब अच्छा फील कर रहा है, वो सो करके उठ गया तो उनको हमने दे दिया लंच और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, शैम का ऐसा हुआ ना फ्रेंड्स तो मैंने पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया था, तो अब जा रही हूँ मैं भी अपना लंच करने। A few moments later. शैम की तबीयत पहले से ठीक है फ्रेंड्स, हम दोनों ने लंच कर लिया और अब जा रही हूँ मैं चाय पीने, क्योंकि मुझे ना सर में दर्द हो रहा है, ऐसे तो इस टाइम चाय नहीं पीती हूँ मैं, एक ही टाइम शाम का शाम पीती हूँ, लेकिन वही थोड़ा सा शैम का टेंशन ली ना इसलिए सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सोची चाय बना करके पी ली रही, लेकिन मैं सिर्फ पीऊँगी शैम को नहीं दूँगी चाय। और बस क्लास शैम बोले कि थोड़ा उनका तबीयत अच्छा लग रहा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा नॉर्मल ही कर करके क्लास कराना जरूरी है, क्योंकि बकरीद का वैसे भी छुट्टी होने वाला है,
तो इसलिए क्लास ज़रूरी है। तो क्लास अभी होगा तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स अपने लिए गुड़ वाली चाय बनाने। ये छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दे रही हूँ फ्रेंड, आप लोगों को पता चाय तो थोड़ी कड़क पसंद है मुझे। गैस चूल्हे तक धूप आ रही है, इतना धूप है देखिए, क्योंकि मैंने दूध वाली चाय ना मुझे फ्रेंड्स ज़्यादा दूध की पसंद आती है, फिर भी मैं कभी कभी पानी भी थोड़ा मिलाती हूँ। ऐसे जब मैं बनाती हूँ ज़्यादातर चाय फ्रेंड्स तो क्या कम करती हूँ, मैं अपने लिए और शाम के लिए बनाती हूँ, तो एक कप दूध लेती हूँ और एक कप पानी, तो दो कप चाय आराम से हो जाती है। और ऐसे भी दूध वाली चाय में दूध कम होनी चाहिए, लेकिन पीने में ज़्यादा दूध वाली ही चाय पसंद आती है सभी को, लेकिन अच्छा हेल्थ के लिए सही यही होता है, ज़्यादा दूध की चाय सही नहीं होती। ये बन गई फ्रेंड्स हमारी चाय गर्मा गर्म, और ये रहे शैम। अब कैसी तबीयत है बता दीजिए? वर्कआउट मत कीजिए ना आज, आराम है बहुत आराम है पहले से। तो वर्कआउट क्यों कर रहे हैं, मत कीजिए, नहीं कीजिए। शैम एक्सरसाइज करने लगे, उनको मना करनी पड़ी, वो नहीं सुन रहे। मैंने मना किया कि आज छोड़ दीजिए, आज आप रेस्ट लीजिए, मत कीजिए, गर्मी बहुत है, लेकिन नहीं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं के वजह से टेंशन लेने से मुझे भी असर होता है कि मैं भी एक स्टाइट चाहे नहीं कीजिए, मना कर रहे हैं तो सुनते ही नहीं। अगर आप बिना एक्सरसाइज की ज़िंदगी नहीं है, करते हैं इसलिए, वो तो करते हैं, एक दिन रेस्ट तो ऐसे ही लिया जाता है ना। अभी आराम किए तो थोड़ा अच्छा लगा, तो आप उसी पर बोल रहे हैं, अपनी तबीयत बिगड़ सकती है, मत कीजिए, गर्मी बहुत है ना। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, और इसी चाय के साथ, और चलिए वीडियो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको एक चीज़ नहीं बता